दोस्तों, इस ब्लॉग वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मेला के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर अक्सर प्रेमी जोड़ियां मिलते हैं और अपना घर छोड़कर भाग जाया करते हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसा मेला जो साल में एक बार लगता है और जहां पे अक्सर प्रेमी जोड़ियां भाग जाया करते हैं, और ये समाचार हर साल जब भी यह मेला लगता है आपको सुनाई देगा। तो दोस्तों, ये ब्लॉग वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो पूरा तक देखिए और मजा लीजिए। सो दोस्तों, अभी हम लोग हैं खोखसा गांव में, और ये जो मेरे पीछे में रास्ता देख रहे हैं ये खोखसा गांव का रास्ता है, पर हमको आगे जाना है। तो आप देख सकते हैं इस रास्ते में लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए, और उधर से कुछ गाड़ियाँ भी आ रही हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको भीड़ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मेला देख के वापस आ रहे हैं और कुछ लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो आप रास्ता में देख सकते हैं लोग इसी के तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोग स्टाइल मार मार के गाड़ी भी चला रहे हैं। दोस्तों, मेला में इतना भीड़ हो चुका है कि पार्किंग का व्यवस्था ये खेत में किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बाइक यहाँ पर रखे हैं हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्किंग शुल्क 30 रुपये लिया जा रहा है और यहाँ पे बाइक को रखा जा रहा है। दोस्तों, जब भी आप इस मेले में आते हैं और पार्किंग के लिए अपना गाड़ी देते हैं, तो जब भी आपके गाड़ी का नंबर और या फिर रसीद बनाते वक्त जो भी लिख रहे होते हैं, आप उसको वीडियो बनाकर शूट कर लें, क्योंकि बाद में अगर कुछ लफड़ा होता है तो आप इसको दिखा सकते हैं, और पूरे लोकेशन का आप वीडियो शूटिंग कर लें जहाँ पे आपका गाड़ी है, और अगल बगल का जितना भी गाड़ी है सबका शूटिंग कर लें। ये आपके लिए बहुत ही सावधानी बरतने वाला चीज है। दोस्तों, ये था पार्किंग केंद्र जहाँ पे गाड़ियों को खेतों में रखा जा रहा था। दोस्तों, अभी हमने पार्किंग में गाड़ी रख दिया है, अब हम लोग आगे जाएंगे। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो सामने में दो पहाड़ देख रहे हैं उसी के आसपास मेला लगने वाला है, तो वहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हरियाली है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इसी रास्ते में हमको जाना है। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं मेला की तरफ, और हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं और कुछ लोग पैदल भी चलते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इधर पूरा हरियाली है और आप बादल को भी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मेला देखने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भागीरथी सितलहरे और आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग वीडियो में हम लोग जानेंगे मामा भांचा मेला के बारे में। तो हम लोग यहीं पे घूमने आए हैं, और हमारे साथ में मेरे भाई है और एक धने और भैया जी हैं। भैया जी, आपका नाम क्या है? राम चौहान। हाँ, राम चौहान भैया जी हैं हमारे साथ में। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आपको मेला दिखाते हैं, मामा भांचा मेला। दोस्तों, मामा भांचा मेला हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 24 घंटे के लिए लगने वाला मेला है। दोस्तों, यह मेला खोखसा गाँव के पास वाले पहाड़ मामा भांचा पहाड़ में लगता है। दोस्तों, जिस जगह पे यह मेला लगता है उस जगह को प्राचीन काल के ऋषि मुनियों के तपोभूमि माना जाता है। दोस्तों, आज भी यहां आपको ऋषि मुनियों से जुड़े अवशेष आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ऋषि मुनि गुफा, ऋषि मुनि सरोवर, बारस पीपल और ऋषि मुनियों के धुनी। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस डोंगरी के अंदर में छोटा सा झरना है और बहुत सारे छोटे छोटे और अथाह गुफाएं भी हैं। दोस्तों, मामा भांचा डोंगरी में औषधियों का भंडार है, जहां पे आप जड़ी बूटियों के समान एकदम आसानी से पा सकते हैं। तो पहाड़ी के पास में ही एक जलाशय है जहां पे 12 महीना पानी भरा होता है, और इस जलाशय में नहाने वालों को अलग ही प्रकार के ताजगी का अनुभव होता है। तो दोस्तों, मामा भांचा मेला का स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है। तो आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं टंगा हुआ है, अब हम लोग इसी रास्ते आगे जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जा रहा है, और आप देख सकते हैं मेला का शुरुआत हो चुका है। दोस्तों, वैसे तो ये मेला सुबह ही शुरू हो जाता है, लेकिन असली जो भीड़ है वो रात को यहाँ पे होता है। कुछ लोग सुबह का मेला देखकर वापस आ रहे हैं और कुछ लोग रात का मजा लेने के लिए अभी जा रहे हैं। मेला के शुरुआत में ही आप बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स देख सकते हैं जहाँ पर आप नाश्ता पानी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी के पकवान खाने के लिए मिल जाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे खाने के लिए होटल का भी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं एक से एक पकवान यहाँ पे बने हुए हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे शाम ढल रहा था
वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ रही थी और मेला का नज़ारा बहुत ही शानदार लग रहा था। दोस्तों, पहाड़ी के जस्ट सामने में एक बहुत बड़ा मैदान था, वहीं पर ये मेला लगा हुआ था। तो चलिए इस बड़े मैदान का व्यू एक बार आप देख लीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार का दुर्घटना होने पर यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं कोई भी, तो इसके लिए यहाँ पे केंद्र बनाया गया है, पुलिस सहायता केंद्र। तो दोस्तों, आप सामने में जो ये पहाड़ देख रहे हैं, ये वाला एक पहाड़, ये वाला एक पहाड़ और ये वाला, ये सभी मिले हुए हैं, इसी के पास में ये मेला लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हम लोग इसी रास्ते से आए हैं और यहाँ पर एक से एक अनेकों दुकान लगे हुए हैं और उधर कुछ झूला भी हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाउमीन यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे चाउमीन का भी आनंद ले सकते हैं और यहाँ पे गुटखा वगैरह भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आके मेहंदी लगा सकते हैं। तो हमारे सामने में हैं भाई साहब, तो इनके यहाँ आप मेहंदी लगा सकते हैं। तो अगर आप एक अक्षर यहाँ पे कराते हैं तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे है गुब्बारा रंग बिरंगा, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे फ़ोटो का दुकान है, यहाँ पे आप एक से एक अनेक प्रकार के फ़ोटो खरीद सकते हैं, भगवान के कैलेंडर, यीशु मसीह, सभी प्रकार के फ़ोटो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पे है रूप श्रृंगार के सामान। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको एक से एक दुकानें दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप चाट खा सकते हैं और गुपचुप भी खा सकते हैं, ये है ठेला। तो यहाँ पे एक से एक होटल मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से एक पकवान बने हुए हैं। तो ये गुलाब जामुन, ये कटनी, ये मिक्सचर, ये बूंदी और ये सेब और ये जलेबी। तो मुझे यहाँ पे मेरे मामा श्री मिल गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं रंग बिरंगे खिलौने यहाँ पे बिक रहे हैं, एक से एक बच्चों के लिए। तो आप यहाँ पे खिलौने खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दुकानें लगे हुए हैं, चारों तरफ लोगों का भीड़ है और अभी शाम हो चुका है और सूर्य ढल चुका है। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी दुकानों का व्यू लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहाड़ के सामने जो ज़मीन है वहाँ पे ये मेला लगा हुआ है। तो आप यहाँ का ज़मीन भी देख सकते हैं, इस प्रकार से है ये ज़मीन, उबड़ खाबड़। तो हमारे सामने में है बांसुरी वाले भैया, आप इनसे बांसुरी खरीद सकते हैं, बहुत ही मधुर मधुर बजने वाला बांसुरी इनके पास है। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने ले सकते हैं रंग बिरंगे बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से एक खिलौना रखा हुआ है। और अगर आप चप्पल खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पे एक से एक चप्पल बिक रहे हैं बच्चे और बड़े दोनों के लिए, और यहाँ पे कुछ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, इधर भी बहुत सारा दुकान है। दोस्तों, अंधेरा होने के बाद यहाँ पे लाइट जल चुका है, सभी के पास लाइट का व्यवस्था है। यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा हो चुका है कि मुझे मोबाइल उठा करके शूटिंग करना पड़ रहा है, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लग चुका है। और यहाँ पे आप फैंसी सामान खरीद सकते हैं एक से एक। ये खेलने का जगह है जहाँ पे बच्चे जंप कर रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए खेलने का है यहाँ पे झूला, गोल गोल घूमने वाला। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिसलने वाला झूला है जो कि पूरा हवा भरा हुआ है, और यहाँ पे बच्चों का सबसे फेवरेट है ये। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने के लिए। और यहाँ पे बॉम्बे मिठाई बिक रहा है। तो बॉम्बे मिठाई कैसे बनता है आप देख लीजिए, इस प्रकार से बॉम्बे मिठाई बनता है गुलाबी रंग का। दोस्तों, ये है बच्चों का घोड़ा गाड़ी झूला, यहाँ पे बच्चे घोड़ा में बैठते हैं और उनको गोल गोल घुमाया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 रुपये में 6 फायर करवो, तो आपको यहाँ पे बंदूक दिया जाएगा और आपको वो जो गुब्बारा दिख रहा है उसको आपको निशाना लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं चप्पल बिक रहा है 150 रुपये में मात्र, यहाँ पे सेल लगा हुआ है लेडीज चप्पल का। और ये है दोस्तों 3D टैटू सेंटर, जहाँ पे आप अपना टैटू बनवा सकते हैं अपने हाथ वगैरह में। तो दोस्तों, आप यहाँ पे गुपचुप खा सकते हैं, जितना चाहे उतना गोलगप्पा यहाँ पे खा सकते हैं। दोस्तों, अब मेला में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और आप देख सकते हैं लाइटें जल रही हैं सभी दुकानों में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप मामा भांचा मेला देखने जा रहे हैं तो आप
फैमिली के साथ अगर जा रहे हैं और आपके साथ महिलाएं हैं तो आप 9 बजे से पहले मेला देखकर वापस आ जाइए, क्योंकि 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, जो कि फीमेल्स के लिए अनसेफ है और बदमाशियाँ भी करते हैं। तो सबसे अच्छा है आप रात के 9 बजे से पहले मेला देखकर घर आ जाएं। तो हमारे मामा श्री यहाँ पे खिलौने ले रहे हैं बच्चों के लिए, तो चलिए देखते हैं कौन सा खिलौना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भीम गदा लिए हुए हैं, जय बजरंगबली। तो आप यहाँ पे पान खा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पान बनाने का एक से एक सामान यहाँ पे रखा है। दोस्तों ये है मिठाई भंडार, जहाँ पे आप एक से एक मिठाई खरीद सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनेकों प्रकार के यहाँ पे मिठाइयाँ उपलब्ध है, और आपको आइसक्रीम फालूदा सेंटर भी आपको मेला में मिल जाएगा, और जहाँ पे आप आइसक्रीम का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मामा भांचा पहाड़ी को चढ़ते हैं तो आपको मामा भांचा मंदिर का दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। फ्रेंड्स, मंदिर के आस पास में गाना बजाना ये सब कार्यक्रम किया जाता है और लोग मस्ती में झूम उठते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ का मंदिर सजा होता है, और सामने में एक और मंदिर है, वहाँ पे आप भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों मेला का कंप्लीट दर्शन करने के बाद घर वापस लौटते वक्त आप यहाँ पे अनेक प्रकार के प्रसाद भी खरीद सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे उपलब्ध होता है। दोस्तों जो लोग पहाड़ी पे चढ़ते हैं वो अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं, इसी कारण आप पहाड़ों पे देख सकते हैं ये तारों जैसा लाइन से दिखाई दे रहा है। तो ये सभी लोग हैं जो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। दोस्तों ज़्यादा रात होने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम होता है, अलग अलग प्रकार के गम्मत और नाचा यहाँ पे आते हैं, उनको लोग देखते हैं और आनंद उठाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों रात के 11-12 बजे का नज़ारा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ही डेंजरस भीड़ होता है। तो यहाँ पे जब भी आप मेला देखने जाएं तो फीमेल्स और बच्चों को लेकर ना जाएं, ज़्यादा रात को ना रुकें। दोस्तों रात भर मामा भांचा मेला देखने और पहाड़ी को चढ़ने के बाद हम सुबह 6 बजे वापस लौट कर घर आ रहे हैं। तो ये सुबह का वीडियो है। अगर आपको यह पूरा ब्लॉग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही ब्लॉग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।